हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर के आई हूँ खीर बनाने वाली रेसिपी, तो आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। घर पे खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही लाजवाब। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा तो दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। खीर बनाने के लिए गाइस, उसके लिए हमने ये लिए हैं राइस, थोड़ा सा चावल जो घर में हम लोग बनाते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे एकदम ज़रा सा। दो मुट्ठी के करीब में थोड़ा थोड़ा हमने चावल लिया है, ज़्यादा इसमें चावल नहीं लेंगे। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं पहले। ये देखिए, मैंने चावल को वॉश कर लिया है। 5 से 7 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं ताकि हमारे चावल जो है फूल जाए। इसके बाद हम हाथों की सहायता से इसे मसल देंगे। उसके लिए गाइस हमने दूध लिया है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, पानी नहीं ऐड किया दोस्तों। और इसे हम गैस पे चढ़ा दिए हैं। ये हमारा दूध जब बदकने लगेगा तब हम इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या ऐड करेंगे जब तक हमारी दूध गर्म हो रही है। हम इसमें ऐड करेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा था गड़ी का जिसको हमने कट कर लिए छोटे छोटे पीसेस, और ये 7 से 8 काजू हैं जिसको हमने आधा आधा भागों में काट लिया है। आइए, 8 से 10 किशमिश लिए हैं, और ये 6 से 7 बादाम लिए जिसको मैंने आधा आधा कट कर लिया है दोस्तों। इसको हम खीर में डालेंगे। ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे चावल भिगोए हुए। अब हम इसे हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिस लेते हैं। इस तरीके से इसे जो हमारी खीर होगी बहुत ही अच्छी बनेगी। पता ही नहीं चलेगा ये खीर में कौन सा चावल पड़ा है। इस तरीके से ये देखिए एकदम खुरदरा, इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल लेंगे हम इसे। ये देखिए, मसलने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं। अब हम इसे 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए। उसके लिए गैस हमने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच और रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। इसे गरम होने पे हम इस चावल को फ्राई कर लेंगे। ये हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमारा भुना चुका है, अब हम गैस को कर देते हैं बंद। हमारा ये जो है दूध भी गर्म हो चुका है, बदकने लगा है। अब हम गैस को आँच को थोड़ा धीम कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं गैस जो हमने चावल को फ्राई किया था उसे। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इससे इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। उनको चला देते हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट काटे थे गाइस उसको भी हम इसमें अभी डाल देते हैं। अब इसे गाइस हम धीमी आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे अच्छी तरीके से। धीमी आंच में पकेगा, उसके बाद जब हम गैस बंद करेंगे गैस तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे अच्छी तरीके से। इसे हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे गैस।
नहीं, अभी बहुत पतला लग रहा है। जब एकदम गाढ़ा हो जाए तब हम गैस को बंद करेंगे। 15-20 ये देखिए हमारी खीर बन चुकी है। अब बस अभी इतने के लिए हम गैस बंद कर देते हैं। ज़्यादा देर गाढ़ा नहीं करना है, इतना बहुत है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं गैस। उसके लिए हमने एक कटोरे से भर के एक कटोरी चीनी लिया। आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा, जितना आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। इसे हम चला के ढक के छोड़ देते हैं। चीनी इसलिए बाद में डालते हैं गैस, ताकि हमारा जो दूध है पहले अगर डाल देंगे तो फट सकता है, फटने का डर रहता है। इसलिए जब पूरा हो जाए, खीर बन जाए, तो उसके बाद हमें चीनी को ऐड करना चाहिए। अब हम गैस इसको ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। ये देखिए गैस, हमारी ये खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऐसे बनाएंगे तो खीर खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, कोई भी घर पे मेहमान आए, इस तरीके से ज़रूर आप खीर बनाइए। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, खीर की रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारी खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।